बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीआर में एक पास को लेकर R9 टीवी ने जो एक मुहिम चलाई थी आखिरकार वो रंग लाई है। बता दें दिल्ली बॉर्डर सील करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, जहां पर सभी राज्य एक हफ्ते में समान नीति बनाए, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है, एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बता दें कि एनसीआर में एक पास को लेकर R9 टीवी ने कुछ दिन पहले से ही इस मुहिम को चलाया था और कहीं ना कहीं अब ये मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद इस बात का जिक्र उसने किया गया है कि सभी राज्य एक हफ्ते में एक समान नीति बनाए, एकीकृत व्यवस्था को बनाए जाने के लिए यहां पर कहा गया था। और ये मुहिम लगातार R9 टीवी चला रहा था, जहां पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात का जिक्र आज सुनवाई के दौरान कहा है। एनसीआर में आपको बता दें कि एक पास को लेकर काफी समय से ये कोशिश की जा रही थी और ऐसे में ये मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है। तो एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो, इसका जिक्र यहां पर किया गया है। तो एनसीआर में एक ही पास हो और इसके सिवा कोई पास ना हो, इसी को लेकर सवाल उठाए गए थे R9 टीवी के एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के जरिए। कौन से वो सवाल थे आप देखिए। जब एनसीआर बोर्ड बन सकता है, एनसीआर में बसों का आवागमन सामूहिक सहमति से हो सकता है, ऑटो का आवागमन सामूहिक सहमति से होता है, टैक्सीज का आवागमन सामूहिक सहमति से होता है, तो एनसीआर के लिए COVID-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान नियमों को बनाने के लिए एक समन्वित नीति क्यों नहीं अपनाई गई? सबसे बड़ा सवाल, लाख टके का सवाल ये है।